नमस्कार दोस्तों, कॉल पुट डाटा पे मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ। कॉल पुट डाटा ये बताती है कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले सकती है, कहाँ रेजिस्टेंस ले सकती है। कॉल में ज़्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मार्केट बढ़ सकता है, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। पुट में अगर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है मार्केट वहाँ तक गिर सकता है। तो इसीलिए कॉल पुट डाटा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कॉल पुट डाटा इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप अगर कॉल में काम कर रहे हैं या पुट में काम कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, तो वहाँ पे भी आप उस एरिया में काम करिए जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। इससे आपको वहाँ पे ज़्यादा वोलेटिलिटी मिलेगी, आपको ज़्यादा फ़ायदा वहाँ मिलेगा। इसलिए कॉल ऑप्शन डाटा देखना भी ज़रूरी है और पुट ऑप्शन डाटा भी देखना ज़रूरी है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि कॉल आंकड़ा कहाँ पे है, कॉल ओपन हाईएस्ट इंटरेस्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है और पुट में ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो वीकली ऑप्शन डाटा शोर दैट वी हैव मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 19,000 पे अभी भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, यानी मार्केट 19,000 जाने की तैयारी कर रहा है। 1.08 करोड़ जो है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, तो ये समझने वाली बात है। विच कैन एक्ट एज क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया फॉर निफ्टी 50 इन कमिंग डेज। दिस वॉज फॉलोड 1.04 कॉन्ट्रैक्ट 18,800 पे देखने को मिल रहा है, 18,900 पे 84.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 19,000 पे खड़ा है। अब वी हैव मीनिंगफुल कॉल राइटिंग कहाँ हुआ है, 18,800 पे कॉल राइटिंग हुआ है, 31.66 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिला है। 19,500 और 19,300 के स्ट्राइक पे वहाँ पे भी 2.22 और 1.36 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग कहाँ का हुआ है, 18,900 पे कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, 34.34 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे कम हुआ है, 19,100 पे और 19,000 पे 19,000 पे 34.04 लाख कॉन्ट्रैक्ट और 29.69 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ भी कम हुआ है। अब पुट ऑप्शन डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। पुट ऑप्शन द ऑन द पुट साइड मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट वाज 18,700 पे अभी भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1.02 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे 18,700 पे है, विच कैन बी क्रूशियल सपोर्ट एरिया निफ्टी 50 का इन द कमिंग सेशन। दिस वॉज फॉलोड बाई 18,600 के स्ट्राइक पे और 62.38 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ है, 18,500 के स्ट्राइक पे 46.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे भी है। पुट राइटिंग कहाँ का देखने को मिल रहा है, 17,900 के स्ट्राइक पे 18.13 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है पुट राइटिंग, और 17,700 पे 1.56 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। पुट अनवाइंडिंग कहाँ पे हुआ है, पुट अनवाइंडिंग 18,800 पे हुआ है जहाँ 1.12 करोड़ कम हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, यानी 18,800 पे लोग ज़्यादा पुट बेच के लोग निकल गए हैं, जो बेचे थे निकल गए हैं 18,700 पे और 32.56 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और 18,500 पे 31.41 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी कम हुआ है। तो ये सारे स्टॉक है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो निफ्टी 50 के जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपका पुट राइटिंग में, पुट का ओपन इंटरेस्ट 18,700 पे देखने को मिल रहा है, और कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 19,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल ऑप्शन का राइटिंग देखने को मिल रहा है, लोग ओपन इंटरेस्ट वहाँ ज़्यादा किए हैं। हाईएस्ट जहाँ पे डिलीवरी हो रहा है कौन से स्टॉक हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे शेयर को बाय कर रहे हैं जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, तो हाई डिलीवरी परसेंटेज सच द इन्वेस्टर आर शोइंग इंटरेस्ट इन द स्टॉक, वहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वी हैव सीन हाईएस्ट डिलीवरी बाटा इंडिया पे देखने को मिल रहा है, एलकेम लेबोरेटरी पे, सिप्ला पे, HDFC पे, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, शेयर को बाय कर रहे हैं। 14 स्टॉक पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, एन इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस इंडिकेट बिल्डअप फॉर लॉन्ग पोजीशंस। बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट वी हैव सीन लॉन्ग बिल्डअप 14 स्टॉक पे देखने को मिल रहा है, कोरामंडल इंटरनेशनल पे देखने को मिल रहा है, बलराम चीनी मिल्स पे देखने को मिल रहा है, जुबिलेंट फूड पे देखने को मिल रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे देखने को मिल रहा है, फेडरल बैंक पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारे स्टॉक है जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप
हुआ है। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे हुआ है? लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब हुआ है डिक्लाइन हुआ है ओपन इंटरेस्ट पे, लोग बेच के निकल रहे हैं वहाँ से। पोजीशन तो बनाए थे लेकिन लोग बेच के निकल रहे हैं। ए डिक्लाइन इन ओपन इंटरेस्ट इन प्राइस जनरली इंडिकेट लॉन्ग अनवाइंडिंग बास्ट ऑन द ओपन इंटरेस्ट सजेस्ट 94 स्टॉक इंक्लूडिंग ऑरेकल फाइनेंस पे, जैके सीमेंट पे, रेन इंडस्ट्री पे, एक्साइड इंडस्ट्री पे, पंजाब नेशनल बैंक पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ है? शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है लोग पोजिशन को शॉर्ट में कैरी कर रहे हैं। एन इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट अलोंग विद प्राइस डिक्रीज इंडिकेट लॉन्ग बिल्डअप ऑफ शॉर्ट पोजिशन बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट। वी हैव सीन शॉर्ट बिल्डअप इन 68 स्टॉक RBL बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पेट्रोनेट LNG, वोडाफोन आइडिया, चंबल फर्टिलाइजर, यहाँ पे लोग शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग कहाँ हो रहा है? ए डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ प्राइस इंक्रीज, तो लोग पोजिशन शॉर्ट किए थे लेकिन अब वहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो ये बताता है शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग कहाँ कहाँ पे हो रहा है? मैक्स फाइनेंशियल पे, LTI, माइंडट्री पे, टाटा केमिकल पे, MCX इंडिया पे, बिरला सॉफ्टवेयर पे, यहाँ पे लोग शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। बल्क डील कहाँ कहाँ हुआ है? बल्क डील का मतलब है कि इन्वेस्टर हैवी मात्रा में शेयर को बाय कर रहे हैं। तो पहला हुआ डिलीवरी, डिलीवरी में सबसे ज़्यादा बल्क डील हुआ है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पे बल्क डील हो रहा है, सेंसरा इंजीनियरिंग पे बल्क डील हो रहा है, तो ये सारे स्टॉक हैं जहाँ पे बल्क डील हो रहा है। तो उम्मीद है कॉल पुट आंकड़ा से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से भी जानकारी मिली होगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।